हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एपिसोड 4 ऑफ एबल्टन लाइव सीरीज़ इन हिंदी। आज हम बात करेंगे प्लगइन्स के बारे में। नाउ किसी भी DAW के साथ आपको दो तरह के प्लगइन्स यूज़ करने को मिलते हैं। एक होते हैं इंटरनल प्लगइन्स जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं जिस भी कंपनी का आप DAW यूज़ कर रहे हैं। दूसरे होते हैं एक्सटर्नल प्लगइन्स जिनको कि आप परचेज कर सकते हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट से एंड देन यू कैन इंस्टॉल देम। आज हम दोनों ही तरह के प्लगइन्स की बात करेंगे। एबल्टन लाइव के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग प्लगइन है जो कि इन्होंने दिया हुआ है, उसका नाम है ऑपरेटर। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड में। अगर आप ये वाला ऑप्शन नहीं देख पा रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर, ये वाला जो आपको कर्सर दिख रहा है, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट, तो आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। देन आपको जाना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट्स में एंड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आपको मिलेगा ऑपरेटर। नाउ ऑपरेटर को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा मिडी ट्रैक के ऊपर ही, क्योंकि ये एक प्लगइन है, ये मिडी पे ही काम करेगा क्योंकि आप इससे कस्टम साउंड्स क्रिएट करते हैं, ऑडियो पे ये काम नहीं करेगा। सो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप अगर आप करेंगे किसी भी मिडी ट्रैक के ऊपर तो आपको ये इस तरह का कुछ प्लगइन दिखता है। आप सुन सकते हैं इसका साउंड भी। नाउ इसके साथ साउंड डिजाइनिंग जो है वो बहुत ही अमेजिंग भी है प्लस एडवांस लेवल की भी है, तो वो जो साउंड डिजाइनिंग वाला पार्ट है मे बी हम अपने एडवांस वीडियोस में कवर करेंगे। आज के लिए मैं आपको बताऊंगा किसके अंदर इनबिल्ट साउंड कौन से होते हैं, उनको किस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप क्विकली म्यूजिक बनाना शुरू करना चाहते हैं तो आई थिंक आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। नाउ ये तो बात हुई इंटरनल प्लगइन के बारे में। इसके साथ ही मैं आपको एक एक्सटर्नल प्लगइन भी बताऊंगा। फ्री प्लगइन है, आप उसको, मतलब मेरा मोटिव यह है कि कोई भी प्लगइन आप थर्ड पार्टी जब इंस्टॉल करते हैं एबल्टन लाइव के अंदर तो किस तरह से इंस्टॉल करना है, क्या आपको ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें एक ही फोल्डर में होनी चाहिए, वो सब क्वेश्चन जो है मेरे पास आते हैं, तो उस चीज़ को भी मैं इस वीडियो में आंसर करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटर की, जैसा हमने शुरू किया था। अब अगर आप ऑपरेटर को एक्सपेंड करें, यहाँ से एरो पे हम क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे साउंड जो हैं वो ऑलरेडी कस्टमाइज करके आपको दिए हुए हैं। लाइक बेस का साउंड यहाँ पर है, ब्रास के साउंड्स हैं, पैड्स हैं, मेलोडीज़ हैं, स्ट्रिंग्स हैं, पियानो की कीज़ हैं। तो कोई भी म्यूज़िक अगर आप बनाना शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत हैंडी चीज़ है। इन नो टाइम यू कैन यूज़ दीज साउंड्स, दे आर ऑल रॉयल्टी फ्री और आप क्विकली म्यूज़िक बनाना शुरू कर सकते हैं। फॉर इंस्टांस लेट्स से कि मुझे एक बेस क्रिएट करनी है, तो मैं बेस में जाऊँगा। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ ऊपर सर्च बार में जाके कुछ बेस सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे गिटार बेस चाहिए तो मैं सर्च करके देख सकता हूँ मेरे पास कुछ गिटार का ऑप्शन है, और आप देखिए कि यहाँ पर आ गया गिटार बेस। इस तरह से अगर आपको सर्च करना है तो सर्च कर लीजिए, अदरवाइज आप मैनुअली यहाँ पर जो है वो होवर भी कर सकते हैं। तो मैंने ये गिटार बेस सेलेक्ट की, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पर। नाउ देख सकते हैं कि ये ऑपरेटर ही है, बस इसके जो मॉड्यूलेटर्स थे यहाँ पर, जो ऑसिलेटर्स हैं उनको सेटिंग्स एडजस्ट करके एक साउंड बनाया गया है बेस का। तो किस तरह का साउंड है आप सुन सकते हैं। मैं एक ऑक्टेव नीचे जाऊंगा यहाँ पर, तो अब आपको कुछ बेसी सा साउंड जो है वो सुनाई दे रहा होगा। तो इस तरह से ये साउंड आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें एंड देन उसके बाद आप क्विकली इसको कोई भी एक पैटर्न में अगर आप बनाना चाहते हैं, मैं आई थिंक अभी फिलहाल कुछ बनाने के मूड में नहीं हूँ यहाँ पर, बट लेट मी शो यू हाउ टू क्रिएट दैट। नाउ मिडी ट्रैक के ऊपर आपको एक मिडी क्लिप सबसे पहले क्रिएट करनी पड़ती है। यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं कि चार बार्स कहाँ कहाँ होंगे। इसको आप इस तरह से यहाँ पर कर्सर लाएंगे तो ये जूम आउट एंड जूम इन आप कर सकते हैं ये वाला। तो ये मेरा एक बार कंप्लीट है, मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करूँगा और मैं कहूँगा इंसर्ट मिडी क्लिप, या फिर आप ऑल्टरनेटिवली कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम भी अगर क्लिक करेंगे कीबोर्ड पर तो ये मिडी क्लिप बन जाएगी। देखिए मेरे पास मिडी क्लिप आ गई, नीचे आ गया इसका पियानो रोल। ठीक है, अब इस पियानो रोल के अंदर आप चाहें जिस तरह का पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं, अब आप दूसरा देखिए कि जहाँ पर मैंने अपनी की प्रेस की है वहाँ पर ये आपको एक नोटिफिकेशन भी देगा कि आप यहाँ पर जो है इस की पर हैं, तो मैं ई पर हूँ यहाँ पर। तो आप इसको यहाँ से राइट क्लिक कीजिए 116 बार सेलेक्ट करके और कुछ ऐसा क्रिएट करने की हम कोशिश कर सकते हैं। नॉर्मली कोई भी पैटर्न आप ड्रॉ कर लीजिए, या अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ऑलरेडी आपके माइंड में कुछ मेलोडी है तो इस तरह से, आई मीन आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी थिंग राइट नाउ, बट जस्ट वांट टू शो यू कि किस तरह से आप ये चीज़ क्रिएट करते हैं। तो एक ये मैंने बेस का साउंड लिया एंड देन मिडी क्लिप क्रिएट करने के बाद आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साउंड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये देखिए,
ये ग्राउल का साउंड अगर आप डब स्टेप बनाना चाहते हैं, वाओ, मतलब सच एन अमेजिंग साउंड्स दे हैव ऑलरेडी गिवन। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इनिशियली थर्ड पार्टी प्लगइन परचेज करने की भी ज़रूरत हुई है। तो ये तो बात हुई आपके इन बिल्ट प्लगइन के बारे में। नाउ चलिए चलते हैं ऑपरेटर के अलावा जो और कौन सा ऑप्शन है जो आप इसमें यूज कर सकते हैं। मैं एक नया बिल्ट ट्रैक क्रिएट करूँगा और उसको कर दूंगा मैं डिलीट। नाउ सेकेंडली आप यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल थर्ड पार्टी प्लगइन्स, उनको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है मैनुअली। सबसे पहले आपको उसको करना पड़ेगा डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद आपको इसकी एक डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा जहाँ पर आप उसको इंस्टॉल करेंगे। नाउ अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस पे क्लिक करें, प्रेफरेंसेस में जाएं, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा लाइब्रेरी में, सॉरी लाइब्रेरी के ऊपर जो ये वाला ऑप्शन है फाइल एंड फोल्डर्स, इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कस्टम प्लगइन के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है प्लगइन, ठीक है, टू सोर्सेज। सो यहाँ पर आप सबसे पहले आपको ये वाला ऑप्शन इनेबल करना है, ये डिसेबल नहीं होना चाहिए, इसको आप इनेबल करेंगे तभी आप थर्ड पार्टी प्लगइन्स को आप यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ से आपकी जो लोकेशन है बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सी ड्राइव वगैरह में होती है, सी ड्राइव एंड योर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर VST प्लगइन्स का एक फोल्डर होता है, तो उसको आप कस्टम अगर आप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करना पड़ेगा, और आप किसी भी अपनी विंडोज़ की या मैक की डायरेक्टरी में जाकर वहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, देन वहाँ पर आप सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल कीजिए। तो अगर एक फ़ोल्डर के अंदर सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे तो वो सारे प्लगइन्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। अगर आप एक फ़ोल्डर के अंदर नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन थी उसमें कर दिया, देन सेकंड प्लगइन आपने किसी और फोल्डर में कर दिया, तो आपको सारे प्लगइन्स एक टाइम पर नहीं दिखेंगे, आपको बार बार उसको स्विच करना पड़ेगा पाथ को। ये एक कन्फ्यूजन बहुत सारे व्यूअर्स के मन में रहती है कि सारे प्लगइन्स को एक साथ कैसे यूज़ करना है। तो उसको यूज़ करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं अपनी सी ड्राइव के अंदर गया और मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। आप किसी भी ड्राइव के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने बोला कि स्टूडियो VSTs, ठीक है, ये एक कस्टम नाम है, कुछ भी दे सकते हैं आप। इसके अंदर मैंने जाके बहुत सारे यहाँ पर सब फोल्डर्स क्रिएट कर लिए। देखिए आप देख सकते हैं मेरे पास इतने सारे प्लगइन्स मैंने अपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं। नाउ यहाँ पर अगर आपको एक थर्ड पार्टी प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक नया प्लगइन इंस्टॉल करना चाहता हूँ विच इज़ कैमल क्रशर। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर स्पेशली। सो मैं न्यू पे गया, मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया यहाँ पर, आई विल कॉल इट क्रशर, ठीक है। ये सबसे पहले मेरा काम हो गया। अब अगर आप क्रशर को देखेंगे, ये वाले फोल्डर को, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल, क्योंकि मैंने अभी कुछ इंस्टॉल ही नहीं किया है। नाउ मैं इसको कर दूंगा क्लोज। नाउ मेरे पास क्रशर जो है ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है, फ्री प्लगइन है, 64 bit का वर्जन मुझे डाउनलोड करना है क्योंकि एबल्टन लाइव में 64 bit में हूँ। अब इसको मैं करूँगा इंस्टॉल। इंस्टॉल कैसे करते हैं थर्ड पार्टी प्लगइन्स को, आपको डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट, आई एग्री। नाउ यहाँ पर आप देखिए कि ये अगर आप इसकी लोकेशन चेंज नहीं करेंगे तो ये आपके जाएगा प्रोग्राम फाइल्स एंड VST प्लगइन्स की लोकेशन पर। नाउ अगर आपकी डिफॉल्ट लोकेशन यही रखना चाहते हैं आप, तो इसको चेंज मत कीजिए, पर आगे से अगर आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो आप इंश्योर करें कि आप इसी ही फोल्डर में इंस्टॉल करें, क्योंकि अगर आप कोई दूसरा फोल्डर बना देंगे तो आपको प्लगइन नहीं दिखेगा। नाउ यहाँ से मैं करूँगा ब्राउज, मैं जाऊँगा अपने सी ड्राइव में यहाँ पर, और मैंने जैसा कि एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है स्टूडियो VSTs का, इससे मैंने अभी यहाँ पर एक फोल्डर आपके सामने बनाया था विच इज़ क्रशर। तो मैं इसको यहाँ पर देखूँगा क्रशर कहाँ पर है, ये मैंने सेलेक्ट किया क्रशर, ओके, ठीक है। तो ये वाला मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर लिया। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट और इंस्टॉल, सिंपल। तो ये मेरा इंस्टॉल हो गया। नाउ उसके बाद मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी। अगर आपने ऑलरेडी अपना डाओ ओपन किया हुआ है तो आपको यहाँ पर दोबारा से इस ऑप्शन में जाना है। मैं क्लोज करके दोबारा ओपन कर लेता हूँ, ऑप्शन, प्रेफरेंसेस, फाइल फोल्डर, और आपको इसको रीस्कैन करना है। अगर आपको वो प्लगइन नहीं दिख रहा है तो आप इसको रीस्कैन कर दीजिए। अगर आपका डाओ बंद था और आपने इंस्टॉल किया था तो आप जैसे ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रीस्कैन कर लेगा। नाउ अब मैं अपने प्लगइन्स के ऑप्शन में जाऊँगा यहाँ पर नीचे, देखिए, और यहाँ पर मुझे क्रशर जो है वो दिख जाएगा। ये देखिए कैमल क्रशर ये मेरा है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो आपको दिख जाएगा कि मेरे पास यहाँ पर क्रशर आ गया है। तो इस तरीके से आप कोई भी प्लगइन जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री का हो पेड का हो, वो आपकी मर्जी है, आप कौन सा प्लगइन यूज़ करना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। प्लगइन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बड़े इत्मीनान से बनाना चाहता था कि लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। एंड देन आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई प्लगइन परचेज ही करना है। आई थिंक जो मैंने आपको डिफ़ॉल्ट प्लगइन ये दिखाया ऑपरेटर, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो जितने भी आपके पास यहाँ पर साउंड्स हैं आप सबको यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक दे आर मोर देन इनफ टू क्रिएट एनी सॉन्ग। सो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ड्रम किट्स के बारे में, क्या ड्रम किट्स अवेलेबल हैं एबल्टन लाइव के अंदर, और किस तरह से आप एक बीट
जो है वो बनाना शुरू करेंगे यूजिंग द डिफॉल्ट साउंड्स. सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू वेरी सून.